संघ को लेकर धारणाएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन संघ में बहुत लोगों की धारणा ही रहती है कि संघ में कुछ दो चार लोग सोचते हैं, बाकी सब लोग उसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं है, संघ का एक सामूहिक चिंतन चलता है और वो सामूहिक चिंतन की हमारी एक कॉन्टिन्यूटी भी है, उसकी एक प्रक्रिया भी है। देश में हजारों कार्यकर्ता सारे देश में भ्रमण करते हैं, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, स्वयंसेवकों से भी मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, समाज के लोगों से भी मिलते हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर वो सबके फीडबैक भी लेते हैं। संघ के मिलने की एक विशेषता होती है कि हम केवल संबोधन नहीं करते, संवाद करते हैं, और संवाद करते हुए ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जिनसे हम घंटों सुनते ही हैं, और ये सारा करते करते हम सब लोगों के भी कुछ निष्कर्ष निकलने प्रारंभ होते हैं। वर्ष में दो बार अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभा और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में, एक बार अभी आजकल 1300-1400 कार्यकर्ता, उसमें एक संघ की कल्पना है। सारे देश के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत व्यवस्थित निर्वाचन की प्रक्रिया है, 50 स्वयंसेवकों के ऊपर एक प्रतिनिधि और 50 प्रतिनिधियों के ऊपर एक प्रांत का प्रतिनिधि, और उसके बाद उसके ऊपर अखिल भारतीय प्रतिनिधि। ऐसे सारे देश के एक 1200-1400 कार्यकर्ता प्रतिनिधिसभा में इकट्ठे होते हैं और एक 350-400 कार्यकारी मंडल में भी आते हैं, और जो भी महत्व के विषय होते हैं उसके ऊपर संघ की जो दिशा तय होती है वो सामूहिक चिंतन से होती है। ये प्रस्ताव जो आते हैं, प्रांतों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, इन विषयों पे संघ को अपनी दिशा देनी चाहिए। वो दिशा संघ के स्वयंसेवकों के लिए भी और समाज के लिए भी है। वो प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, उसके ऊपर प्रस्ताव समिति में चर्चा होती है, फिर हम उसको सबके सामने रखते हैं। कार्यकारिणी उसमें से तय करती है कि इन प्रस्तावों को लेकर आना चाहिए, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, 4-5 बार डिस्कशन होता है। इतना डिस्कशन होता है कि आप अगर कभी उस बैठक में जाएंगे, वो जो कह रहे थे कि प्रस्ताव पारित कराना, यानी ये प्रस्ताव समिति के लिए पूरी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब प्रस्ताव पारित होता है तो एक सुख की सांस लेता है, ऐसी हमारी सबकी वहाँ प्रस्ताव पारित कराने वालों की स्थिति होती है। और एक प्रस्ताव के ऊपर प्रतिनिधि सभा में एक 300-400 लोगों का इनपुट आता है उसके अंदर, कम से कम, यानी 25% से ज़्यादा लोग उसके अंदर छोटी छोटी बात, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, ये ठीक ही नहीं है, और कभी टाइटल भी बदल जाता है, कभी पूरा कंटेंट भी बदल जाता है, लेकिन वो जो तय होता है वो संघ की दिशा होती है और उसके आधार के ऊपर हम काम करते हैं। वो हमारे लिए मैसेजिंग नहीं है, वो पोस्चरिंग नहीं है, वो कोई हम अपने आप को सिंबोलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार जो रेजोल्यूशन बनता है दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ आरएसएस, उसके आधार के ऊपर सब लोग आचरण और व्यवहार में काम करते हैं, वर्षों काम करते हैं, और ये चिंतन की प्रक्रिया सतत चलती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये 4-5 पीढ़ियों की जो कॉन्टिन्यूटी है उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया है, और केवल इतना नहीं होता, प्रस्तावों के बाद फिर नीचे तक उसके ऊपर चर्चा की जाती है। फिर केवल इतना ही नहीं रहता, बहुत सारे लोग देशभर में जब भ्रमण करते हैं तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये जो हमने कहा इसके पीछे का भाव क्या है, ये क्यों कहा है, ये क्यों नहीं, इसके पीछे के तो अपना रिव्यू भी चलता रहता है और सबकी क्लियरिटी भी होती रहती है।